तिलोर का शिकार इतना खास क्यों है और ये शिकार सिर्फ अरब शहजादे ही क्यों करते हैं? गोरे भी शिकार के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं कि शिकार के लिए वो यहाँ आए हों। वैसे भी एक मामूली परिंदे के लिए अरबों के अरबों की जरूरत क्यों पड़ती है? और ये शिकार पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ही क्यों किया जाता है? तिलोर तो एक आजाद परिंदा है, साल में 2 दफा अपने सफर ठंडे ममालिक से गर्म ममालिक और फिर गर्म से ठंडे ममालिक की तरफ करता है। ये परिंदे इस सफर के दौरान दुनिया के 20 ममालिक से गुजरते हैं, जिनमें अरब ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मकामी लोग भी इसका शिकार करते हैं। मुझे खुद एक दफा बहावलपुर के एक दोस्त के साथ शिकार का इत्तफाक हुआ था और तिलोर खाने का मौका भी मिला। जायका में गुजरांवाला से मिलने जुलने वाले चिड़ों से ज्यादा कमाल का नहीं था और मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई कि इसके शिकार के लिए इतनी मेहनत या सरमाया खर्च किया जाए। फिर भी अरब शहजादे इस शिकार के इतने शौकीन क्यों होते हैं और यहाँ आकर ही क्यों? हालांकि इनको शिकार जिंदा या मुर्दा उनके ममालिक में बसत खुशी पहुँचाया जा सकता है, लेकिन अंदर की कहानी इस शिकार से भी ज्यादा होलनाक और बर्बरियत से भरी है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात बहावलपुर में अरब शहजादों की सिक्योरिटी पर मामूर एक सिक्योरिटी अफसर से हुई, जो कि एक रिटायर्ड मेजर भी थे और इस्लामाबाद में कोई नई जॉब तलाश कर रहे थे, जबकि उनका कहना था कि वहाँ वो 2 लाख तनख्वाह लेते हैं। मैंने सवाल किया, आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? मेजर साहब ने जवाब दिया, फौजी हूँ, जमीर ने गवारा नहीं किया। मेरे लिए जवाब हैरत अंगेज था, लेकिन जो कुछ उनसे सुना पेशे खिदमत है। इन मेजर साहब का कहना था, सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है मेहमान को एयरपोर्ट से लेकर और हर लम्हा उसके साथ रहे और उसे वापस एयरपोर्ट पर बाहिफाजत पहुँचाए और मेहमान हर वक्त उसकी नजर में रहे, लिहाजा इससे ज्यादा किसी मेहमान की जाती मसरूफियात को कोई नहीं जानता। हम सब ने कभी गौर किया है कि अरब शहजादे जब भी शिकार पर आते हैं अकेले क्यों आते हैं? उनके साथ उनकी फैमिली या बीवियां क्यों नहीं आती? क्या उनकी बेगमात को तिलोर और हिरन का गोश्त पसंद नहीं? कहानी कुछ यूं है, शहजादे जब शिकार गाह में आते हैं तो महल से दूर खेमा बस्ती कायम की जाती है, जहां दोपहर के बाद शिकार इस्तेमाल करते हैं। शिकार में शिकरे, घोड़े, कुत्ते और बाज भी शामिल होते हैं। शिकार मगरिब से पहले खत्म हो जाता है, फिर मगरिब की नमाज के बाद जमात अदायगी होती है और शिकार पकाया जाता है। बारबेक्यू, हांडी, कढ़ाई, स्टीम रोस्ट के साथ साथ हजारों तरह के मीठे और हरीसा और फिर शाम की बाजमात नमाज से पहले इसे खा लिया जाता है। फिर शहजादे अपने अपने खेमों का रुख करते हैं, जहां हुकूमत पाकिस्तान, मकामी इंतजामिया और लोगों के ताउन से इन शहजादों की नफसानी हवस पूरी करने के लिए कम उम्र मकामी लड़कियों को पेश किया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है लड़कियां मकामी यानी पाकिस्तानी हो, किसी की उम्र 12 या 14 साल से ज्यादा ना हो। शहजादों को पेश करने से पहले पाकिस्तान की इन बेटियों को मुश्को अंबर से नहला धुला कर खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि शहजादों को किसी तरह की मजामत या परेशानी का सामना ना हो। अंदर के हालात तो कोई नहीं जानता कि इन बच्चियों के साथ क्या होता है, लेकिन वही होता होगा जो एक बाज और एक नन्ही सी चिड़िया के साथ करता है। मेजर साहब ने कहा, मैंने खेमों के बाहर वो आवाजें सुनी है जो किसी अगुपत खाने से नजर आती हूँ। इस तजर्बे को बताते हुए एक फौजी की आंखों में आंसू थे। खुद सोच ले, जहाँ एक फौजी की हिम्मत जवाब दे गई, वहाँ जुल्म किस नहज पर होगा, बर्बरियत कैसे महवे रखसा होगी। शेख सद अस्पताल के डॉक्टर भी इस बात के गवाह हैं, जब इमरजेंसी में ये कमसिन पाकिस्तानी बेटियां गहरे अंदरूनी जख्मों की वजह से कई के दिन अस्पताल में गुजारती हैं और कई तो अपनी जान से जाती हैं। मेरा पूरी कौम से ये सवाल है, क्या हम दलाल हैं या ये मुल्क हीरा मंडी है? चंद सिक्कों और वीजों के मराद के बदले हम अपनी बेटियां बेच देते हैं। किस काम का हमारा एटम बम? किस काम की ये आजादी जो हजारों जाने देकर मिली थी? कहां जाती है गैरत, कहां जाती है कौमियत, जब ये शहजादे आपस में बैठकर पाकिस्तानी कौम की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। हम जिन ममालिक के शहजादों के सामने कमर तक झुक के कॉर्निश बजा लाते हैं, इनका पूरा मुल्क पाकिस्तान के एक शहर से भी छोटा होगा और कमजोर इस कदर के अगर ब्रिगेडियर फौज भेज दी जाए तो जंग लड़े बगैर हथियार डाल देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कसूर उन शहजादों का नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि जब हम कौमी इज्जत और गैरत को थाल में रखकर सरे बाजार खड़े होंगे तो खरीदार कोई भी हो सकता है।